सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर कुशभवनपुर करने के लिए एक पत्र लिखा है। पिछले साल इस शहर का नाम कुशभवनपुर करने का प्रस्ताव सुल्तानपुर की लंबुआ विधानसभा सीट के भाजपा विधायक देवमणि ने रखा था। नाईक ने पत्र में कहा है कि राजपुताना शौर्य फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मुलाकात कर एक किताब सुल्तानपुर इतिहास की झलक के साथ एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सुल्तानपुर को हेरिटेज सिटी में शामिल किए जाने और उसका नाम बदलकर कुशभवनपुर किए जाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही सुल्तानपुर नगरपालिका में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इससे पहले सुल्तानपुर के लंबुआ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि ने विधानसभा में जिले का नाम बदले जाने का प्रस्ताव दिया था। विधायक ने धार्मिक साहित्यों में उल्लेख के आधार पर कहा था कि यह शहर राम के पुत्र कुश ने बसाया था, जिनके नाम पर इसका नाम कुशभवनपुर पड़ा। सुल्तानपुर के गजेटियर में यह दर्ज है कि इसका नाम कुशभवनपुर ही था, मुगलों ने इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था। विधायक ने इसके ऐतिहासिक नाम को वापस देने की मांग की है ताकि इसके सांस्कृतिक महत्व को लोग एहसास कर सकें। इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया था। इसको लेकर उन्हें काफी विरोध भी झेलना पड़ा था। सोशल मीडिया पर इसके पक्ष और विपक्ष में खूब प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी।